नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए और हमारा लेवल क्या रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा फ्री वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं सही में। अभी के अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो मैंने कल लेवल दिया था 400 पॉइंट का मोमेंटम किया, उससे दो दिन एक दिन पहले जो मार्केट मोमेंट किया था, मैंने पूरे बॉटम से बाय करने को लेवल दिया था, वहां से 800-900 पॉइंट का मोमेंटम किया। हर दिन में लाइव मार्केट में आपको फ्री में गाइड करता हूं दोस्तों। तो जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए वीडियो पे, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम आज की लेवल की बात करें, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आज मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल वगैरह क्लियरली सेंड कर दिया था मार्केट ओपन होने से पहले ही। आप जाके देख सकते हैं एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ डाउन गया और कहां से सपोर्ट लेके गया, जो मैंने लेवल ड्रॉ करके दिया था पॉइंट टू पॉइंट टच करता है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं 9:14 पे मैंने बोल दिया था मार्केट ओपन होने से पहले कि 35,026 के नीचे अगर जाए मार्केट सस्टेन करे तो सेल कर सकते हो। आप देख सकते हो लेवल मैंने दिया था, ये ब्रेक किया, थोड़ा सा सस्टेन किया, थोड़ा मोमेंटम फिर बाउंस बैक कर गया, क्योंकि आज इतना खास मोमेंटम था नहीं। ऊपर से आप देख सकते हो मैंने बाद में बोला 35,202 के ऊपर गया तो जाके बाय करना। आप देख सकते हो मार्केट आया, मेरे लेवल को टच किया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। मेरे जो डाउन साइड का लेवल था उसको मार्केट बार बार टच करके एक रेंज में ही रहा, कोई स्पेशल मोमेंट दिया नहीं, क्योंकि वीक में हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुके हैं दोस्तों। तो जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं मंडे के दिन हम क्या करते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, भूल जाते हो यार, और कमेंट कर लो 500-600, जितना लाइक आप इतना प्यार देते हो ना, क्या ही बोलू, थैंक यू सो मच इसके लिए। तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन, बहुत सिंपल से आपको समझा दूंगा, ट्रस्ट मी, दो मिनट दीजिए, बहुत कुछ आपको समझने में आ जाएगा। और ट्रायल के लिए अगर आप ऑब्जर्व भी करना चाहते हैं तो भी जाके फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, मैं गारंटी देता हूं आपको पसंद आएगा ही आएगा, ठीक है। सो फिर देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हूं, ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप चाल देखो, यहां से बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली डाउन साइड गया था, और फाइनली यहां पे क्या किया, कहीं ना कहीं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया इसी एरिया में, और यहां से फिर बाउंस बैक कर गया। बट यहां पे आपने एक बात नोटिस किया, बैंक जब नीचे आया था फिर ऊपर गया, यहां पे एक टॉप बनाया जो मैं रेड कलर का एरो मार करके रखा हूं, फिर नीचे आया, फिर एक टॉप बनाया, फिर नीचे आया, तो यहां पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था। फाइनली बैंक निफ्टी ने तोड़ा, और आपको ये दिन तो याद होगा डेफिनेटली, इस दिन मैंने लेवल दिया था और सीधे यहां से ही मार्केट बूम बाउंस बैक किया था, पूरे के पूरे ऊपर गया था, राइट। सो देट यहां पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था। फाइनली बैंक निफ्टी ने ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, और यहां से मार्केट ने अच्छा खासा रन अप दिया यार, फिर मार्केट फिर नीचे आ गया। और ध्यान से देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस था यहां पे ग्रीन कलर का जोन बना के रखा हूं, आज उसी रेजिस्टेंस हमारे लिए किसके लिए काम किया, सपोर्ट के जैसा काम किया। आप देख सकते हैं मार्केट ओपनिंग हुआ, उसी जो रेजिस्टेंस जोन हमारा पहले था वहीं सपोर्ट की तरह काम किया, और मार्केट यहां से टच करके फिर ऊपर चला गया। सिंपल मंडे के दिन हमारा ट्रेडिंग प्लान ये रहना चाहिए, सिंपल हो गया अभी तो। अगर मार्केट फ्लैट या फिर थोड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप ओपनिंग हुआ और ऐसे ऐसे करके अगर नीचे फिर से इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो हम सेल करेंगे, राइट। सो दैट 34,885 के नीचे हम सेल करेंगे, टारगेट रखेंगे 34,631, आपको इतना याद रह गया, लॉजिक आपको पता चल गया। तो फिर भाई अगर मार्केट ऊपर या फिर थोड़ा गैप अप फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर जाने लगे और 35,310 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तब जाके आप बाय कर सकते हो, टारगेट रहेगा 35,509। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए मार्केट डाउनसाइड मोमेंटम किया और उस दिन क्या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, सेलर ने फिर यहां पे आप बोल सकते हो कि प्रेशर किया और फाइनली मार्केट थोड़ा डाउन चलाया, तो यहां पे कहीं ना कहीं मार्केट हॉल्ट किया है। सो देयर 35,310 के ऊपर गया तब जाके बाय करना, टारगेट रखना 35,509। अगर 35,500 ब्रेक कर देता है ना तब जाके आप समझना बैंक निफ्टी फिर से अपर ट्रेंड चालू कर चुका है, ऊपर अगेन बैंक निफ्टी अच्छे खासे जाएगा बोल के। सो ये सारे लॉजिक आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का, वीडियो को लाइक कर दो यार, फिर भी भूल जाते हो आप लोग। चलिए निफ्टी का हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए निफ्टी को अगर हम देखें, निफ्टी भी वहीं सेम, ध्यान से देखिए निफ्टी कंटिन्यूअसली डाउनसाइड मोमेंटम किया, यहां पे एक सपोर्ट था ये एरो बना के मैं रखा हूं, यहां से फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके आप देख सकते हो ये यहां पे क्या किया, बैंक निफ्टी अगेन इसी लेवल को हॉल्ट करता रहा, बार बार सपोर्ट लेता रहा, और वो लेवल था 15,810, राइट। यहां पे देखिए एक एम्पेटन टाइप का बना, एक डबल टॉप टाइप का बना, और ये था उसका नेकलाइन, ये नेकलाइन को तोड़ा और बैंक निफ्टी निफ्टी ने तोड़ा, जैसे ही अच्छा खासा मोमेंटम किया, तो ये नेकलाइन अब हमारे लिए क्या बन चुका है, एक रेजिस्टेंस बन चुका है, जो कि पहले क्या किसके लिए काम कर रहा था, एक सपोर्ट की जगह 1 देन 2 देन 3 देन 4
4 एंड फाइनली 5 बार जैसे ही टच किया सीधे तोड़ दिया, तो ये अच्छा खासा हमारे लिए सपोर्ट की जैसा काम कर रहा है। और अगर निफ्टी को देखें, निफ्टी का ऊपर का सपोर्ट की जैसा काम कर रहा था, बट अभी क्या करेगा, रेजिस्टेंस की जैसा काम करेगा और वो लेवल है 15,800। और नीचे का आप देख सकते हैं जहां से निफ्टी ऊपर उछला था उसी लेवल का टच करके फिर से निफ्टी ऊपर चला गया, तो वो लेवल है 15,635। तो अगर निफ्टी फ्लैट या फिर थोड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप ओपनिंग होता है, 15,635 तोड़ता है, तब जाके सेल करेंगे, रीजन और लॉजिक आपको पता चल गया। और अगर निफ्टी फ्लैट या फिर थोड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया, ऐसे ऊपर ऊपर जाता है और जैसे ही 15,738 को तोड़ता है, तो टारगेट रखना 15,800 तक, और 15,800 आते ही या फिर थोड़ा उससे पहले आप सेल कर दीजिएगा। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए यहां पे अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टेंस मार्केट पहली बार जाएगा और इस रेजिस्टेंस को टच करके रेस्पेक्ट करेगा डेफिनेटली थोड़ा नीचे आएगा। अब आपको फिर से अगेन कब बाय करना है, समझ लीजिए निफ्टी इस लेवल को तोड़ा, आपने बाय किया, प्रॉफिट बुक किया, फिर से नेक्स्ट डे अगर समझ लीजिए ऐसे 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 होल्ड किया फिर नेक्स्ट डे या फिर 12 या फिर 1 बजे के आसपास फिर होल्ड करके फिर से अगर 15,800 तोड़ देता है, तब आपको निफ्टी का लाइफ टाइम हाई डेफिनेटली अगेन देखने को मिलेगा। सो दैट थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको आई होप सब कुछ लॉजिक और रीजन समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारे प्यार दीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों मंडे के दिन, आई प्रॉमिस फिर से नेक्स्ट वीक हम बहुत अच्छा खासा ब्लास्ट करेंगे, हमारा सारे के सारे लेवल कितना एक्यूरेसी कितना परफेक्टली काम करते हैं आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं मंडे के दिन, टेक केयर, बाय।